तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर, और फॉर्मेटिंग प्रोजेक्ट में हम एक सिंपल फॉर्म बनाने वाले हैं आपके साथ। जो फॉर्म दिख रहा है सेम इसी तरह का फॉर्म हम एक्सेल सीट पे बनाने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो फीचर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखने में फॉर्म सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए, हमने इसको लिया सेलेक्ट करके, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इसको हम लेटर से बड़ा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ जो है हमारा, अब यहाँ मर्ज नहीं करने वाले, हम अपने रो कॉलम को ही, रो को ही बड़ा करने वाले हैं। और उससे पहले हम पूरी बैकग्राउंड को ब्लू कर देता हूँ, इसकी बैकग्राउंड कलर। एक किलोमीटर रहेगा। इसकी बैकग्राउंड में आते हैं, फॉन्ट पे, और इसका बॉर्डर जो है यहाँ से वाइट लेते हैं। एक मिनट, पहले आप ये ले लीजिए ब्लैक, लेके साइज सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसको वाइट लीजिए, और इसको इसको ये आउटलाइनों पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट कर दीजिए। ओके, उसके बाद सेम चीज को कॉपी कीजिए, एक रो छोड़ के दूसरे रो में पेस्ट कर दीजिए, इसकी कॉलम को साइज बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहां पे आता है कंपनी नेम एंड फोन नंबर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि कंपनी में फ़ोन नंबर के बीच में दो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ सेम फॉर्मेट हमको लेके यहाँ देना पड़ेगा, ऊपर दो लाइन लेना पड़ेगा, और दोनों एक और लेना पड़ेगा, एक और यहाँ पे एक और इंसर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ मर्ज नहीं कर रहे हैं, मर्ज ना करने के पीछे हमारी एक मजबूरी है, इसलिए इस पर मर्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम मैसेज के लिए बड़ा सा एरिया ले लेते हैं, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सर पांच नंबर रो पे आप सर ले जाना कर्सर, सर जो आपने हमने कुछ नहीं किया, इसको इसका बॉर्डर जो है ना व्हाइट कर दिया, और इसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना ही पूरा मर्ज नहीं कराया आपने। नहीं, मर्ज ना करने के पीछे रीजन है, मर्ज क्यों नहीं किया इसके पीछे रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर में वो रीजन बताता हूँ। ठीक है सर, इसमें जो पांच नंबर पे बनाया इसमें हमने सी वाली कॉलम में भी वही सेम फॉर्मेटिंग करी है ना, 9 नंबर वाली सेम फॉर्मेटिंग है, सब में सेम फॉर्मेटिंग, 9 में हमने डी पे कर दी, सी में नहीं की वो। जी जी ठीक। अब हमने क्यों नहीं की है फॉर्मेटिंग, अभी थोड़ी देर में हम आपको इसके बारे में समझाने वाले हैं। अब आता है सेंड मैसेज, तो इंसर्ट में हमारे पास टैब होता है, ये होता है शैप्स होते हैं, इस शैप्स में ले लेता हूँ, और इसकी कलर मान लीजिए मुझे येलो रखना है, वाइट रखना है, यहाँ पे सेंड, वापस होम में आता हूँ, सेंट्रल का साइज बड़ा कर दिया, और इसकी कलर को ब्लैक कर दिया,
और बाकी जो ये मैसेज लिखा हुआ है इसको इसको अभी अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, इसकी कलर वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। बाकी जो मैसेज लिखा हुआ है आप यहाँ पे इजली टाइप कर लेंगे, राइट। अब बात आती है कि इसमें जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, योर नेम, कोई ईमेल एड्रेस, कंपनी, दिख रहा है ना सर, फोन नंबर, योर मैसेज। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ योर नेम तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब कोई टाइप करेगा नेम तो नेम डिलीट हो जाएगी, और फिर वो अगर मान लीजिए नेम को इसने ब्लैंक किया तो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। इसमें हमने सर एक किस्म से जैसे हम HTML में बैकग्राउंड में देते हैं वो करना है ना, उस तरह का देना है। तो उसके लिए हम पहले वाले जो A1 है उस पे लिखेंगे यहाँ पे योर नेम, समझे, और यहाँ पे लिखेंगे योर ईमेल एड्रेस। आप सोच रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ, हमें तो बीच में चाहिए ना, हो जाएगा हो जाएगा, बस दो मिनट ध्यान दीजिए। कंपनी फोन और यहाँ पे मैसेज, योर मैसेज, ठीक है। अब इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आता है इंडेन ऑप्शन, सॉरी गलत हो गई, गलत हो गई, इसको ऊपर करना है, ठीक है सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा पीछे और कर दीजिए, ज़्यादा हो गया, एक सीध में रहेगा अच्छा रहेगा ना। इसको भी आप सेंट्रल कर, सॉरी कंट्रोल जेड बॉटम सेंट्रल कर लीजिए, इसको भी जहाँ टाइप करना है उसको भी आप जो है सेंट्रल एंड टॉप बॉटम कर दीजिए, इसको भी आप टॉप सेंट्रल में, इसको भी सेंट्रल में, इसको भी सेंट्रल, इसको भी सेंट्रल। अब इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो हल्की सी ग्रे होनी चाहिए, क्या सर। हाँ जी, तो हम टेक्स्ट कलर कहाँ कर रहे हैं, जहाँ हमने टाइप किया हुआ, जहाँ विजुअल है वहाँ पे नहीं। हाँ जी, ठीक है। और इस पे का जो टेक्स्ट कलर है वो हमने ब्लैक एंड बोल्ड रखना है, ब्लैक बोल्ड, ब्लैक बोल्ड जो टाइप होगा। हाँ जी, ब्लैक बोल्ड एंड ब्लैक एंड बोल्ड। अब देखिए, अब आपका नाम दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे लिख दिया पूजा, पूजा डिलीट किया, ठीक है, मोहन शर्मा। अब बोले कि सर लेकिन कोई हो सकता है कि यहाँ पे क्लिक करके टाइप करे, चाहे यहाँ क्लिक कर दे, हो सकता है ना सर। बिल्कुल सर, जी जी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करते हुए, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्शंस में ही इस पे फॉर्मेट में ही प्रोटेक्शन का टैब होता है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉक क्लिक होता है, होता है सर। हाँ जी सर, उसमें इस लॉक को हटा देंगे और इस पे हम पासवर्ड अप्लाई कर देंगे। इसको विस्तार रूप से हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटेक्शन की क्लास में, फिलहाल जान लीजिए। और यहाँ लॉक सेल को अनचेक कर दिया, अब मेरा कर्सर अनलॉक पे जाएगा, मतलब कि जो सिलेक्टेड सेल है उस पर जाएगा, पासवर्ड डाल के ओके कर दिया।
ठीक है सर, एक बार रिपीट करोगे? सर हमने क्या किया, पहले कंट्रोल प्रेस करके जहाँ जहाँ हमारा हमें टाइप करना था वहाँ वहाँ हमने कर्सर को रख दिया, हाँ जी सर, फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, लॉक प्रोटेक्शन से लॉक हटा दिया, हाँ जी सर, चेक था अनचेक कर दिया, हाँ जी, पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट शीट राइट क्लिक कर प्रोटेक्ट शीट किया और हम पासवर्ड हाँ डालने जी से पहले इसको हटा दिया पहले वाले को सिलेक्ट ठीक ठीक है एंड ओके। अब मेरा कर्सर कहीं और मूव ही नहीं होगा, जैसे मैंने पूजा टाइप किया ना सर, तो टाइप करने के बाद कर्सर डायरेक्ट ईमेल पे जाएगा। ठीक है सर, ईमेल आईडी टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे, कंपनी पे आएगा, फोन पे आएगा, समझे? हाँ जी सर, टाइप मैसेज वहीं पे टाइप होगा। तो देखिए इसी इसको बोलते हैं फॉर्म डिजाइन करना। सर ये ऊपर वाला जो पूजा लिखा है आपने, इसको आपने मर्ज क्यों नहीं करा, ये चीज समझ में नहीं आया। हाँ अब जो आपने पूछा कि मर्ज क्यों नहीं किया, ना कि अंदर के एक मिनट राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको मर्ज कर दूँ, मर्ज कर दिया ना जी जी, अभी और नेम दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा। नहीं अब समझ आया कि नहीं, मर्ज किया, मर्ज का हटा दिया, दिख रहा है? हाँ जी, तो मर्ज इसलिए नहीं किया सर। इसको उस जो आपने पहली क्लास में बताया था कि एक्सेल ब्लैंक सेल को जीरो समझता है, तो अगर इसमें हम इफ का फार्मूला लगा के ये चीज दिखा सकते हैं सर? हाँ बेहद ब्लैंक हो, देखिए यहाँ ये चीज जो बनाई है फार्मूला लगाने के लिए नहीं बनाई गई है, एक फॉर्म है। ठीक ठीक है सर। जैसे मान लीजिए ना कि आप डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक पर्सन को दिया कि भाई डेटा एंट्री करो यहाँ पे, हाँ जी, तो एक एक करके डेटा एंट्री एक्सेल सीट पे करेगा तो हो सकता है कि पहले वाले डेटा को ओवरराइट कर दे। हाँ जी हाँ जी, तो उनको इस तरह के फॉर्म दे देते हैं हम, वीवीए प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर देते हैं, जहाँ से सबमिट पे क्लिक कर सेट करते हैं और यहाँ एक इंच एक इंच डेटा इंसर्ट होते चला जाता है, या दूसरा माइक्रो साइन कर देते हैं जिस एंड बटन पे, तो दूसरा क्या होता है व्यू में, जैसे मान लीजिए किसी का नंबर हमें टाइप किया, मुझे पूरा डिटेल देखना है, हाँ जी, तो देखने को तो कोई कंट्रोल एफ करके भी देख सकता है ना पूरे डेटाबेस में से, हाँ जी सर, लेकिन फिल्टर एक फॉर्मेटेड एक अच्छा दिखे इसलिए यहाँ पे दिया गया, इस तरह का फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के अपनाइए आप, कल की क्लास में इससे आगे की चीज पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर।